हेलो एवरीवन। तो आज जो है वो हम एक्टिविटीज के बारे में फिर से जानेंगे। लेसन वन की जो बाकी एक्टिविटीज है आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो एक्टिविटी 1.8 से जो है मैं स्टार्ट करती हूँ। लिखा है टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। एक चाइना डिश में जो है आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। वॉट इज इट्स कलर, इसका कलर क्या है? तो फिलहाल इसका जो कलर है वो व्हाइट कलर का है। सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है दैट इज व्हाइट इन कलर। लिखा है प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। उसके बाद इस चाइना डिश को आपको सनलाइट में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। थोड़े देर बाद जो है आपको सिल्वर क्लोराइड का कलर जो है वो ऑब्जर्व करना है। सो यहाँ पे हुआ क्या, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो चेंज हो गया बिकॉज ऑफ हीटिंग। जब हमने सनलाइट में रखा तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो सिल्वर क्लोराइड है वो रिएक्ट करके सिल्वर और क्लोरीन जो है वो अलग अलग टूट गए। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो सिल्वर क्लोराइड का कलर था व्हाइट कलर, वो उन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से था। और जब वो अलग हुए, सिल्वर और क्लोरीन अलग हुए, तो सिल्वर जो एलिमेंट है उसका जो ओरिजिनल कलर है दैट इज ऑफ ग्रे कलर। तो जैसे ही ये रिएक्शन हुई आपको जो है सिल्वर बचा हुआ मिला उस चाइना डिश में ग्रे कलर का, और जो क्लोरीन था वो गैस बन के इवेपोरेट वहां से हो गया। सो दिस इज द होल रिएक्शन 1.8। तो इससे आपसे एक तो कलर चेंज, इसमें अगर आपको पूछेगा तो या तो वो कलर चेंज पूछ सकता है कि रिएक्शन के पहले कलर क्या था, रिएक्शन के बाद कलर क्या था, या फिर ये पूछ सकता है कि सिल्वर क्लोराइड किस किस चीज में ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, या फिर आपसे जो है स्टेट पूछ सकता है सिल्वर और क्लोरीन का आफ्टर रिएक्शन। तो आफ्टर रिएक्शन जो क्लोरीन था वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया और जो सिल्वर था वो सॉलिड का सॉलिड रह गया, और रिएक्शन के पहले जो था सिल्वर क्लोराइड इट वॉज ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल योर रिएक्शन, इससे किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एक्टिविटी 1.9 है। सो एक्टिविटी 1.9 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लिखा है टेक 3 आयरन नेल्स, आपको 3 आयरन नेल्स लेने हैं एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, और उसे सैंड पेपर से रब कर लेना है, क्लीन करने लाए। अगेन मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि हम सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है, जो एनवायरमेंट में रहने से रिएक्ट करने की वजह से लेयर आ गई है, वो हट जाए पूरी तरह से और हमें प्योर आयरन नेल्स जो है वो ऑब्टेन हो जाए। सो हमें जो है 3 आयरन नेल्स लेना है, उन्हें अच्छे से सैंड पेपर से रब कर लेना है, क्लीन कर लिया। आफ्टर दैट आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, और टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी को जो है आपको मार्क कर लेना है। सो मैं यहाँ पे जो आपको बोर्ड पे दिखाती हूँ किस तरह से, लाइक दिस इज योर टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस इज योर टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। लिखा है इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और दोनों टेस्ट ट्यूब में जो है आपको CuSO4 सोल्यूशन लेना है 10 ml, ठीक है। हमने 10 ml सोल्यूशन ले लिया। टाई 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बी सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ए को आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब बी में आपको 2 आयरन नेल्स को इस तरह से जो है वो डाल देना है, ठीक है, और 1 आयरन नेल को आपको साइड में रख लेना है कंपेयर करने के लिए। मतलब कि एक तो हमने टेस्ट ट्यूब ए इसलिए छोड़ा ताकि इसमें जो हमने आयरन नेल डाला है वो कॉपर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, कलर चेंज आएगा नहीं आएगा, तो कॉपर सल्फेट से कंपैरिजन के लिए और आयरन नेल से कंपैरिजन के लिए हमने ये जो है अलग अलग ऐसे रख दिया है। और 20 मिनट्स के लिए आपको जो है इस रिएक्शन को, इस मतलब इस अपरेटस को ऐसे ही छोड़ देना है। लिखा है आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आफ्टर 20 मिनट्स आपको इसमें से जो आयरन नेल्स को निकालना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है सोल्यूशन का दैट इज ऑफ ब्लू कलर, तो आपको जो है इन दोनों को कंपेयर करना है कि आफ्टर रिएक्शन जब इसमें हमने आयरन नेल्स डाला तो वो जो है कॉपर सल्फेट उस आयरन के साथ रिएक्ट किया तो जो कलर है वो कलर चेंज आया या नहीं आया, आपको ये कंपेयर करना है। नेक्स्ट आपको लिखा है ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद वन केप्ट असाइड। उसके बाद जो आयरन नेल्स है उनके कलर को भी जो है आपको कंपेयर करना है, जो बाहर आयरन नेल रखा हुआ है। तो आप देखोगे ये जो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू कलर उसके कॉपर सल्फेट की वजह से है। यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, उसमें जब हमने आयरन डाला तो ये रिएक्ट हुआ, इसमें यहाँ पे रिएक्शन हुई, एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर।
जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें आयरन जो है वो कॉपर के ऊपर आता है, दैट मीन्स आयरन के पास ये कैपेसिटी है कि वो कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ले, ठीक है। जो ज्यादा बलवान होता है वो एक दूसरे को हटा के उसकी जगह ले सकता है, तो यहाँ आयरन जो है वो ज्यादा बलवान है, उसके पास ताकत ज्यादा है, तो उसने क्या किया, उसने कॉपर सल्फेट को उसके सोल्यूशन में से निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है, और खुद जो है उसकी जगह ले ली, तो बन गया आयरन सल्फेट FeSO4 और प्लस कॉपर जो है वो साइड में निकल गया। ये आपकी रिएक्शन हुई, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में देखिए, पहले कॉपर सल्फेट था हमारे पास जिसकी वजह से सोल्यूशन ब्लू कलर का था, आफ्टर रिएक्शन कॉपर सल्फेट तो रहा नहीं, इसीलिए जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें जो कलर है ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, लगभग वो व्हाइट कलर का है दिखने लग जाएगा, और जो टेस्ट ट्यूब ए है क्योंकि उसमें अभी तक कॉपर सल्फेट एज इट इज है, कोई रिएक्शन नहीं हुई है, तो उसका जो कलर है ब्लू वो मेंटेन रहेगा। दूसरी चीज, आयरन जो है वो सिल्वर कलर की होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ, जब इस आयरन ने हटा के उसकी जगह ले ली, तो ये कॉपर जो है, ये कॉपर क्या हुआ, ये कॉपर जाके आयरन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया, और क्योंकि कॉपर का जो कलर होता है दैट इज ऑफ ब्राउनिश रेड, रेड ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए जो अंदर आयरन नेल्स थे उन दोनों आयरन नेल्स का जो कलर है वो भी रेडिश ब्राउन हो गया, और जो बाहर हमने रखा था आयरन नेल कंपैरिजन के लिए वो एज इट इज, उसका कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसलिए वो सिल्वर का सिल्वर ही रह गया। तो यहाँ दोनों में चेंज आया, आयरन नेल के कलर में भी चेंज आया प्लस सोल्यूशन के कलर में भी चेंज आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हुई है, तो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके उसने आयरन आयरन सल्फेट बनाया, और कॉपर जो है वो आयरन नेल्स पर जाके डिपॉजिट हो गया। सो दिस वाज योर फुल रिएक्शन। तो इसमें आपसे कलर चेंज पूछ सकता है, कॉपर सल्फेट का कलर, सोल्यूशन का कलर चेंज, नेल्स का कलर चेंज, ऐसा क्यों हुआ, कौन सा जो है मेटल रिएक्टिव है ज्यादा, कौन कम है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे इस एक्टिविटी से पूछ सकता है। नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी 1.10। ये क्या बोल रहा है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट का जो है Na2SO4 सोल्यूशन हमने टेस्ट ट्यूब में लिख लिया। सी, ये जो आपको जो ये जो आते हैं वर्ड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, इस तरह के वर्ड जो है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको बोर्ड में जो है वो फॉर्मूला साथ में मेंशन करेगा कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ये है, ये आपको बनाने के लिए भी आ सकता है। 1 या 2 मार्क्स में जो है एक दो सब्सटेंस के जो है कंपाउंड्स के आपको जो है नेम का जो है फॉर्मूला लिखने को आ सकता है, या फॉर्मूला देके आपसे उसका नेम भी पूछ सकता है। सो इन सारी चीजों पे जो है आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये 9th का ही टॉपिक है, 9th में इस तरह के जो है आपको कंपाउंड्स बनाना सिखाया गया था, फॉर्मूलाज बनाना। अगर आप भूल गए हैं, आपको नहीं आता है, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा उसका एक अलग से वीडियो बना के जरूर कंपाउंड्स बनाना आपको जो है वो मैं सिखा दूंगी विद द हेल्प ऑफ चार्ज। ठीक है, सो हमने जो है सोडियम सल्फेट ले लिया। दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 ml हमें बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेना है। ठीक है, दिस इज बेरियम क्लोराइड ले लिया। अब इन दोनों को जो है हमने मिक्स करना है, और हमें क्या दिखा, तो आपको दिखा होगा कि जब हमने जैसे ही रिएक्शन किया, क्या हुआ कि व्हाइट कलर का ये जो है यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हुआ क्या, एक्सचेंज ऑफ आयन्स। मैंने बता रखा है पहले भी कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयन्स एक्सचेंज होते हैं, और जब भी आयन्स एक्सचेंज होते हैं तो एक कंपाउंड का जो प्लस वाला होता है उसमें एलिमेंट, वो जो है दूसरे के माइनस वाले आयन के साथ जाके कंबाइन करता है। ऑलवेज प्लस और माइनस आपस में जुड़ते हैं, कभी भी प्लस प्लस या माइनस माइनस आपस में कंबाइन नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक कोई देगा तभी तो कोई लेगा, अगर दोनों देने वाले होंगे तब भी बॉन्ड नहीं बनेगा, दोनों लेने वाले होंगे तब भी बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है आपस में कंबाइन होते हैं। तो आप क्या करोगे, ऐसे रिएक्शंस अगर आपको उस टाइम एग्जाम में कंफ्यूजन हो रही है कि हम कैसे इनकी रिएक्शंस को बनाए, तो आप सबके चार्ज ऊपर मेंशन कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि Na का चार्ज होता है प्लस, SO4 का माइनस, Ba का प्लस और क्लोरीन का माइनस, ये आपको पता चल गया। दैट मीन्स ये प्लस है Na, तो ये जाहिर सी बात है कि वे क्लोरीन के साथ माइनस के साथ जाएगा, और बेरियम जो प्लस है वो सल्फेट के साथ आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है BaSO4 मिलेगा प्लस NaCl, ये जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो BaSO4 है
ये जो है एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस, इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो है वो बनाता है। हमने पढ़ा है जब भी किसी रिएक्शन में व्हाइट या फिर किसी भी कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है तो उसी को जो है हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ऐसे रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये जो है एक डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। सो दिस इज योर व्हाइट पीपीटी ऑफ BASO4। तो ये आपकी एक्टिविटी 1.10 थी। नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी 1.11। 1.11 जो है वो मेटल्स के बारे में आपको बताया गया है यहाँ पे। तो लिखा है हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। आपको सिंपली जो है वो कॉपर लेना है और इसको हीट करना है, ठीक है। 1 ग्राम चाइना डिश जो है, 1 ग्राम जो है कॉपर आपको चाइना डिश में रख के हीट करना है। तो याद रखिएगा आप इसे खुले में हीट कर रहे हैं, दैट मीन साथ में एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे हीट करना स्टार्ट करेंगे ये जो है कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, कॉपर का जो रेड कलर है उससे ये चेंज होकर जो है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड जो है उसका कलर ब्लैक होता है, कॉपर जो है विच इज ब्राउन इन कलर, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड एक नया कंपाउंड बनाता है तो उसके कलर में जो है चेंज हो जाता है। इसी तरह से जो है सारे के सारे मेटल्स जो है, सिर्फ 2 मेटल्स ऐसे हैं गोल्ड और प्लैटिनम जो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी सारे के सारे मेटल्स जो है वो रिएक्टिव होते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं लाइक सिल्वर, और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव लाइक पोटेशियम एंड सोडियम। लेकिन रिएक्टिव सारे मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो वो ऑक्सीजन या हीट देने से जो है उनको जब हम हीट करते हैं तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जो है अपने अपने मेटल्स का ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ओरिजिनल कलर होता है वो चेंज हो जाता है। और क्योंकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इस प्रोसेस को जो है हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन इज एड, या फिर किसी रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन निकलता है, रिमूव होता है, उस प्रोसेस को जो है हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इसके अलावा इस चैप्टर में जो है आपका 2 टॉपिक्स बच रहे हैं, दैट इज करोजन एंड रेंसिडिटी, उसको जो है मैं अलग से वीडियो में आपको समझा दूंगी। अगर आपको मुझे कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना रॉक्स देसी गर्ल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।